हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में, और सबसे महंगी वीडियो में। तो अपने व्लॉगिंग सेटअप में एक नई चीज ऐड होने जा रही है, जो कि व्लॉगिंग करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो वो है अच्छा कैमरा और उसके लिए अच्छा बैटरी बैकअप। तो उसी चीज को फुलफिल करती है, तो फॉर दैट वी हैव द मॉन्स्टर फोन सैमसंग गैलेक्सी M34। तो क्यों से मॉन्स्टर कहा गया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब करना, उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को कर देना लाइक। तो बिना स्किप करें इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, देखते हैं इसमें कौन सा है प्रोसेसर, कितना है स्टोरेज और क्या क्या मजेदार है इसमें फीचर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आइए इस बॉक्स को करते हैं ओपन। तो ये रहा अपना नया पूरा करकरी स्मार्ट फोन। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो आप पूछेंगे मेरे को कि इसके ऊपर का प्लास्टिक रैप कहाँ पे गया है। तो मैंने जब शॉप पे परचेस किया था तभी ओपनिंग कर दी थी, क्योंकि सेलर को मोबाइल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे आप साइड में वीडियो देख ही सकते हो। तो ये रहा अपना नया कोरा करकरी स्मार्टफोन। तो आप देख सकते हो इसकी डिस्प्ले, जो कि सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले है और जो कि 6.5 इंचेस की है। ये पूरी डिस्प्ले जो है वो 6.5 इंचेस की है, और आप यहाँ पे सेल्फी कैमरा देख सकते हो, जो कि टॉप नॉच, जो कि यहाँ पे अपर साइड मिडल में मिलता है, जो कि सेल्फी कैमरा। और बैक की बात करूं तो आप देख सकते हो हमारे अपने पास कौन सा कलर है, जो कि है अपने पास है प्रीमियम सिल्वर कलर, बहुत ही प्यारा सुंदर रेनबो की शाइन देता है। लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये रेनबो शाइन होती है इस पे। आप देखते हो रेनबो के कलर शाइन होते हैं इस पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिजाइन बहुत ही सिल्क है, और ये फोन आपको 3 कलर्स में अवेलेबल है, प्रीमियम सिल्क, ब्लू एंड ब्लैक। तो अपना प्रीमियम सिल्वर कलर में, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग की ब्रांडिंग, सैमसंग लिखा हुआ है बैक साइड में। तो लुक वाइज इसकी बात करें तो लुक काफी बेटर है, लुक काफी बेटर है इसके। और इसकी जो कॉर्नर है 4 साइड से, जो कि राउंड शेप की है। तो ये स्मार्टफोन हमें आता है विद 5G कनेक्टिविटी, तो लोडिंग की या लैग की चिंता तो आप भूल ही जाओ। इमेज कोई भी अगर लोड होता है तो वो फास्ट लोड हो जाएगा, क्योंकि विद 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो बढ़ते हैं आगे इसके परफॉर्मेंस की। तो ये गेमिंग मल्टीटास्किंग ऐप यूसेज काफी आराम से हो जाती है इस मोबाइल से। डिस्प्ले की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले है, जो कि 6.5 इंचेस की है डिस्प्ले है, जो कि FHD है, जो कि आपको HD क्वालिटी कंटेंट या उससे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती है। इसकी रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 128 रिफ्रेश रेट है, ताकि आप गेमिंग मल्टीटास्किंग इजीली आप फोन में कर पाओ। मोबाइल की ब्राइटनेस की बात करूं तो 1000 तक मोबाइल की ब्राइटनेस जाती है, ये पूरी कम कर दी ब्राइटनेस, और ये 1000 तक इसकी ब्राइटनेस है, जो कि धूप में लेके जाओ तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। इसमें जो ग्लास यूज करा गया है, जो कि है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, और इसके जो डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास यूज करा गया है वो जो कि है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। तो डिस्प्ले की स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें प्रोसेसर एक्जिनोस 128 5 mm प्रोसेसर है इसमें, जो कि आपकी मल्टीटास्किंग गेमिंग को एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो बात करें इसके रैम की तो आपको ये मैक्स अवेलेबल है, 8GB रैम, 256GB रैम तक मैक्स अवेलेबल है। अपना जो फोन है जो वो है 8GB 128 GB रोम 128 GB है अपना फोन। और इसमें भी और कम आपको अगर चाहिए रहेगा तो 6GB 128 तक भी मिलता है। तो गाइस जैसे कि इसमें प्रोसेसर है एक्जिनोस 12805 mm, तो उसको पावर देने के लिए मोबाइल में 6000 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट की
चार्जर को नॉर्मली जो मोबाइल्स रहते हैं ज्यादा मतलब मैक्सिमम नॉर्मली मोबाइल्स की 5000 mAh तक बैटरी रहती है, पर ये जो फोन है उसकी है 6000 mAh बैटरी। और ऐसा है नहीं कि अभी 6000 mAh है तो फिर 3 hours 2.5 hours ऐसा चार्जिंग को लगाओ, तो नहीं 1 hour 1.5 hours में भी चार्जिंग फुल 100% आराम से हो जाती है अगर आप इसके सैमसंग के 25 वोल्ट के चार्जर से चार्जिंग करते हो। तो ये है सैमसंग का 25 वोल्ट का चार्जर जो कि हमें अलग से परचेस करना पड़ता है, जो कि आपको 1200 से लेकर 1500 तक आराम से मिल जाएगा। चार्जिंग की जो केबल है जो कि सी टू सी कनेक्टिविटी के साथ आती है, और चार्जिंग केबल हमें बॉक्स में मिलती है जब हम मोबाइल परचेस करते हैं। वेन यू विल चार्ज योर मोबाइल यू कैन सी ऑन स्क्रीन, अभी चार्जिंग 35% है, फुल चार्ज होने में 1 hour 2 minutes लगेंगे। गाइज अपना जो फोन है वो 8GB RAM 128 है, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज का परचेस करना हो तो आप 8GB 256GB का भी परचेस कर सकते हैं। मैक्स 256GB M34 में अवेलेबल है, और मिनिमम अगर आप चाहते हो मिनिमम आप अगर आपका लो बजट है लो रैम का भी ले सकते हो 6GB RAM 128GB, तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा इन दोनों के मुकाबले 8GB 128 एंड 8GB 256GB के मुकाबले 6GB 128 की प्राइस कम पड़ेगी। गाइस ओएस की बात करें तो इस मोबाइल में हमें 4 ईयर मेजर अपडेट मिलते हैं, तो अभी फिलहाल मेरे मोबाइल में और जिस मोबाइल से मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उनमें एंड्रॉयड 13 चल रहा है, तो नेक्स्ट एंड्रॉयड 14 एंड्रॉयड 15 एंड्रॉयड 16 एंड्रॉयड 17 तक ये हमें अपडेट देता रहेगा। और उसी के साथ हमें सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता है जो कि 5 years का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है हमें। ओएस है तो ओएस फीचर की बात करें तो टच एंड पे बिग अमाउंट मिलेगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट के पेमेंट्स आप टच एंड पे आप कर सकते हो इजीली इस फोन से। और सिक्योरिटी के मामले में बात करें तो किनॉक्स के अपडेट इस मोबाइल में आएंगे, सिक्योर्ड बाय किनॉक्स है, सिक्योर्ड बाय किनॉक्स बॉक्स के पीछे भी आप देख सकते हो मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्योर्ड बाय किनॉक्स करके। और इसके साथ हमें बहुत सारे वैसे पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, सैमसंग NFC तो सैमसंग के ऐप से NFC करके हम पेमेंट कर सकते हैं। नीचे की जैक्स की बात करूं तो ऑक्स केबल दी गई हुई है यहाँ पे चार्जिंग केबल जो कि 2.2 mm की है, स्पीकर दिए हुए हैं जो कि काफी लाउड है। जब भी मैं इस फोन से ब्लॉगिंग करूंगा तभी मुझे ऐसे माइक पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें दिए गए हुए हैं 2 माइक कॉलिंग के लिए तो यूज होंगे ही। तो दिखा दो पहले तो आपको यहाँ पे भी माइक है, यहाँ नीचे भी माइक है और अपसाइड में भी माइक है। आप जब भी कॉल पे बात करेंगे तभी सामने वाले को आपकी वॉइस क्लियर जाए उसके लिए आपको सैमसंग में मिलता है वॉइस फोकस करके, तो बैकग्राउंड की नॉइज ना जाकर आपकी वॉइस सामने वाले तक क्लियर पहुंचे उसके लिए इसमें वॉइस फोकस दिया गया हुआ है और 2 माइक्रोफोन्स दिए गए हुए हैं। तो चलिए कैमरा के बारे में बात करते, तो फर्स्ट कैमरा आपको दिया गया हुआ है 8 megapixel का जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो कि आपको ज्यादा एरिया कैप्चर करने में हेल्प करता है। और सेकेंडरी कैमरा की बात करूं तो मिडल कैमरा जो कि 50 megapixel का है जो कि आपको क्लियर एंड अच्छा बेटर क्वालिटी इमेजेस फोटो क्लिक करने में हेल्प करते हैं। और थर्ड कैमरे की बात करूं तो जो कि माइक्रो कैमरा है जिससे आप मच्छर मॉस्किटो न्यूंगीज जिसके पैकेट के कौन से पैकेट्स रहते हैं तो उनके पीछे छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, तो माइक्रो कैमरे का यूज कर सकते हो जो कि थर्ड कैमरा है। और सेल्फी कैमरे की बात करें जो कि 13 megapixel का है जो कि बहुत अच्छा है, फोटोज देख सकते हो सेल्फी कैमरे के। तो गाइस ये देख सकते हो आप 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरे का यूज, कितनी प्यारी फोटो आई है। तो आते हैं इसके सॉकेट की ओर जो कि है पहला है वो ऑक्स केबल जो कि 3.5 mm का और आपको ये डॉल्बी साउंड प्रोवाइड करता है। स्पीकर की बात करूं तो वो काफी लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर है और ये मोबाइल एंड्रॉइड 13 पे वर्क करता है, 1V5.1 अभी इसमें वर्क करता है फिलहाल तो अपडेट आने के बाद धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। तो
मोबाइल तो दे दिया हमने, तो इसको चार्जिंग करने के लिए एडाप्टर, तो एडाप्टर हमें इस बॉक्स में मिलता नहीं, अलग से हमें एडाप्टर परचेस करना पड़ता है। तो चलिए आपको एडाप्टर दिखाता हूँ। तो ये रहा एडाप्टर 25 वोल्ट का, जो कि हमें परचेस करना पड़ता है अलग से। इसकी 6000 एमएच की बैटरी है। स्टोरेज का डिफरेंस है, बाकी स्टोरेज जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो चलिए मैं अभी इसकी आपको प्राइस बता देता हूँ। तो ऑफर से पहले ये मिल रहा था मुझे 18,500 का, पर कहीं कुछ कारणों से मैंने ऑफर के टाइम पे नहीं ले पाया, और ऑफर के टाइम पे जब पहुंचा तभी मुझे पता चला कि ऑफर खत्म हो चुकी है, और अभी ये 20,000 का 19,500 रुपीज का मिल रहा है। तो मुझे 1,000 ज्यादा पे करना पड़े। तो और चार्जर के अलग से खर्चे मैंने तो लिया है 19,500 रुपीज में। अगर आपको ये मोबाइल बाय करना हो, परचेस करना हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिएगा जरूर। वहां पे आपको डिटेल्स, सारी मोबाइल की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको मोबाइल के रिलेटेड कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा, तो कमेंट में जरूर पूछना। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को कर देना मस्त सा लाइक और प्यारा सा कमेंट। और मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।